हेलो स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को क्या दे रखा है, एक स्टैंड दे रखा है, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को क्वेश्चन जो दे रखा है, एक बार पढ़ देता हूँ मैं। पैन स्टैंड मेक अ वुड इज इन द फॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विथ फोर कॉनिकल डिप्रेशन, यानी कि इस शेप में है एक स्टैंड है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 by 10 by 3.5, यानी एल पी एच दे रखा है, वो मैंने लिख दिया है। उसके बाद में आपको ये भी दे रखा है कि भाई द रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन, यानी जो खड्डे किए गए हैं कॉनिकल, इस तरह के खड्डे जो किए गए हैं इसके अंदर खड्डे हैं, तो उसका 1.5 दे रखा है, 0.5 दे रखा है। और इसके बाद में आपसे ये कह रहा है कि एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर, इसकी डेप्थ भी दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 1.4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये कैपिटल में ले लेते हैं। डेप्थ दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपसे ये कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड, तो इस शेप में जो खड्डों के साथ में जो है तो उसका कितना होगा ये आपसे पूछा। तो हम क्या करेंगे, पूरे का वॉल्यूम निकाल के इसमें से चार खड्डों का वॉल्यूम माइनस करते हैं, हो गया क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक का वो निकालेंगे कॉनिकल डिप्रेशन का, एक कॉनिकल डिप्रेशन का आप निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वन कॉनिकल डिप्रेशन कितना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कौन के बराबर है, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन थ्री, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखो 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 0.5 × 0.5, हाइट की वैल्यू 1.2, तो 7 की टेबल से इसको कट कर देंगे 0.2 टाइम आएगा। अब इसके आगे तो नहीं कट होना, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो इसको 22 × 0.2 आएगा, नीचे क्या है 3, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके 22 × इसको इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आएगा, पीछे से तीसरी डिजिट के बाद में पॉइंट आएगा, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लो, तो 0 0, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ गया आपके पास, वैल्यू को रख देंगे मैंने, अच्छा ये पॉइंट यहाँ लगा दिया, ठीक है। तीसरी डिजिट की बात पॉइंट लगाना था, ऐसे लगाया एक डिजिट की बात पॉइंट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 0 0, पीछे से 3 डिजिट की बात पॉइंट, तो 1.1 / 3 ये वैल्यू आएगी। इसको आप सॉल्व कर लो कॉनिकल पार्ट के अकॉर्डिंग, आप इसको निकाल दो, निकाल लो आपके पास वैल्यू जो आती है, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास देखिए कितना आएगा, और 0.666 ये वैल्यू आ जाएगी। ये तो हुआ एक पार्ट का आया केवल, ठीक है, लेकिन हमें तो चार के लिए निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ फोर कॉनिकल डिप्रेशंस, तो चार पार्ट्स की वॉल्यूम निकालनी है, मल्टीप्लाई कर लो, ये है हमारा डिप्रेशन 1.4
वैल्यू आ गई आपके पास इसकी। इसके बाद में आगे वाला पार्ट भी कर लीजिए, ठीक है, 1.464 आ गया लगभग, 5 की आदत है, ठीक है, इसको आप सॉल्व करते क्योंकि कंटिन्यू चलता रहता है लगभग, इसको आप 1.457 आ जाता है लगभग, लेकिन ये वैल्यू ले लो आप, ये वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ वुडन स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ एंटायर डिस्क, इससे पहले आप इसका भी वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पार्ट, इसका एल इंटू बी इंटू एच, इसको सॉल्व कर लो, तो मल्टीप्लाई करना कुछ भी नहीं है, 15 × 10 × 3.5 सीधा मल्टीप्लाई कर लो बस, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास इसको सॉल्व करने पर, तो 525 सेंटीमीटर क्यूब आ जाती है। तो आप यहाँ लिखाएंगे वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड, इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आगे की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इसके वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से माइनस करेंगे 4 × वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन, ठीक है, मैं वॉल्यूम ऑफ कॉन लिख देता हूँ, ये माइनस करना है बस और कुछ भी नहीं है। तो इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पार्ट आपने निकाला 525, और ये 4 का आपने निकाला था, ये 1.464 निकाला है, बस इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, वही आपका आंसर है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी बहुत अप्रॉक्स वैल्यू आती है क्योंकि इसमें हमने वो 666 को 7 नहीं लिखे थे, 7 लेते तो अलग वैल्यू होती है। ये वैल्यू आएगी 523.536, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास सेंटीमीटर क्यूब, इसको आप ऐसे लिखते हो 523.54 लिख सकते हो सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप ये कर सकते हो, इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, इसका 5 भी अच्छे से क्लियर कर लो, 5 में क्या करेंगे अच्छे से समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ध्यान से समझ लो, 5 में क्या है कि जैसे अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन की शेप में दे रखा है, ठीक है, ये रहा कोन, मेजरमेंट जो दे रखा है वो भी लिख ही देते हैं, इसकी हाइट जो दे रखी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, रेडियस भी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, हाँ, अब आगे क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन कह रहा है वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप व्हिच इज ओपन, ऊपर से खुला है, इज 5 सेंटीमीटर, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, यानी ऊपर तक भरा जा रहा है, व्हेन लीड शॉट्स ईच ऑफ रेडियस ईच ऑफ व्हिच इन द स्फीयर शेप, लीड शॉट से बढ़ना है तो नंबर ऑफ लीड शॉट बताना आपको, तो इसका जो वॉल्यूम दे, इसका जो रेडियस दे रखा है, इसका जो रेडियस दे रखा है वो कितना दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा है तो ये इसके अंदर जब डालते हैं तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, तो बाहर निकलता है, देन फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप इन द वेसल, तो कितने लीड शॉट डालेंगे तो बताना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या दे रखा है सबसे पहले को हाइट जो दे रखी है वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है, रेडियस जो दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है, लीड शॉट की अगर बात करें तो स्मॉल आर जो दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर दे रखा है,
नंबर ऑफ लीड शॉट बताना है, नंबर ऑफ लीड शॉट बताना है कि जबकि उसके वॉल्यूम का 1/4 पार्ट बाहर जाता है, ये कह रहा है। वो हम कंडीशंस लगा देंगे जो भी है। सबसे पहले इन दोनों की वॉल्यूम की बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये कंडीशन जो है इसकी वो भी लगाई दो, जो कह रहा है ये जो इसकी कंडीशन है वो भी बताई दो। ये कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ, इसको सॉल्व करने के लिए देखो ध्यान से क्या करना है, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल लीड शॉट ये जो है कितने पार्ट के लिए, उसकी 1/4 पार्ट ऑफ, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल के बराबर है। ये तो कहना चाह रहा है क्योंकि वाटर फ्लो आउट जो हो रहा है वो 1/4 ऑफ वाटर जितना है वो बाहर हो रहा है, तो वॉल्यूम उसके बराबर ही होगा। तो इस कंडीशन में हम वॉल्यूम लगा लेते हैं दोनों की, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल लीड शॉट, तो स्पेयर का वॉल्यूम लगा दो, क्या होता है 4/3 πr³ होता है, ये लगा देंगे। 1/4 बड़ा रहेगा, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल जैसे πr²h/3 इसमें वैल्यू रख देंगे। देखिए अब इस कटने वाला काम कर दो, जो कट हो रहा है कट कर दो उसको, पहले ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन आपका, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 इधर है 3 इधर कैंसिल हो जाएगा और कुछ भी कैंसिल नहीं होना। हमें एन निकालना है इसका, तो एन इज इक्वल टू ये सारी वैल्यूज जो है ये दो तो मल्टीप्लाई बाई डिवाइड में जाएगी, तो आपके पास है कौन सी वैल्यू पहले वो देख लीजिए, r²h/4 तो ऑलरेडी है, बाकी ये दोनों भी नीचे आ जाएंगे तो ये 4 और आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू आपके पास है r²h/4 ऑलरेडी है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में ये दोनों भी नीचे आ जाएंगे, तो ये आपके पास क्या आएगा 4r³ नीचे आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू पुट कर देंगे, r है कितना 5 × 5, h कितना है, h है आपके पास 8/4 × 1/4 × r कितना है 0.5, वैल्यू रख दो सबकी, ये हमने सबकी वैल्यू रख दी, बस इसको सॉल्व करना है, एकदम आराम से सॉल्व हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्या करना है, पॉइंट कैंसिल करने हैं, पॉइंट कैंसिल किए मैंने सब किए, कितना आ जाएगा ऊपर 3000 ऊपर आ जाएगा, 1000 ऊपर आ गया। अब इसको सॉल्व करो, 5 × 5 × 8 × 1000/4 × 4 × 5 × 5 × 5, इसको सॉल्व करो और आपका आंसर हो जाएगा सॉल्व। देखिए 5 से 5 गया, 4 से 2 टाइम्स गया, ठीक है, ये ऊपर वाला हिसाब हो गया। 5 से इसको कट कर लेते हैं, 200 आ गया, और 200/2 का डिवाइड करोगे तो 100 आंसर हो जाएगा इसका। तो 100 लीड शॉट होंगे ना, उसके बराबर वाटर बार आएगा, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन की कंडीशन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो फिर क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी के अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए क्या कह रहा है, सिक्स क्वेश्चन भी देख लो, एक ध्यान से समझिए क्वेश्चन नंबर 6 को। कंडीशन समझते जाओ, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। कंडीशन जिसको समझ में आ गई उसके लिए बहुत आसान है, कंडीशन जिसको समझ में उसके लिए हार्ड भी हो सकते हैं। क्वेश्चन की कंडीशन अगर आप समझ जाते हो कि ये क्या कहना चाह रहा है, तो आपके लिए आसान क्वेश्चन है। अब आपको जो वैल्यू दे रखी है वो बता देता हूँ। सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 220 है वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, इसका
रेडियस जो दे रखा है 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और ऊपर वाले की हाइट दे रखी है 60 सेंटीमीटर और ऊपर वाले की रेडियस जो दे रखी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये आपके पास ओवरऑल मेजरमेंट दे रखा है। तो जो मेजरमेंट दे रखा है पहले मैं लिख देता हूँ, कैपिटल एच इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर, कैपिटल आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, स्मॉल एच इक्वल टू 60 सेंटीमीटर और स्मॉल आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये मेजरमेंट दे रखा है। अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान से सुनेंगे। क्या कह रहा है, ठीक है, अ सॉलिड आयरन बॉल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर, तो आधा कर दिया मैंने सीधा ही कॉल कर दिया, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ द हाइट 60 सेंटीमीटर एंड द रेडियस 8 सेंटीमीटर, मेजरमेंट लिख दिया मैंने। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, यूज पाई इक्वल टू 3.14। तो हम क्या करेंगे, V1 प्लस V2 निकाल के सॉल्व करेंगे, बस और कुछ भी नहीं, ये मेजरमेंट हो गया। तो अब हमें मास दे रखा है, फाइंड द मास ऑफ द पोल 1 सेंटीमीटर क्यूब इज आयरन अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन, ये दे रखा है 8 ग्राम, पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14। मास ऑफ किसका निकालना है, मास ऑफ द पोल, पूरे पोल का मास कितना होगा वो बताना है। तो V1 प्लस V2 निकाल लो, सो रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ पोल V1 प्लस V2 दोनों का वॉल्यूम निकाल के ऐड कर दो, बस फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हमारा काम हो जाएगा। तो वैल्यू निकाल लेंगे, इसका पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर एच, वैल्यू रख दो दोनों की, ठीक है, वैल्यू रख के आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, आराम से निकल जाएगी वैल्यू। पाई की वैल्यू हम रख देंगे 3.14, इसकी वैल्यू 3.14 आनी, कैपिटल आर जो है 220 सॉरी 12 × 12 × हाइट दे रखी है 220 प्लस स्मॉल आर दे रखा है आपके पास 8 × 8 + 8 × 8 × 60, इसको सॉरी करना कुछ भी नहीं है, 3.14 इसको मल्टीप्लाई करना है बस, और कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई करते हैं आपका आंसर आ जाएगा, एप्रोक्स आंसर आएगा, ध्यान रखना इसका, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हमने कर ली, इसी तरह से इसकी कर लो, ये आ गया, इसको सॉल्व कर लो, 3.14 इसको ऐड कर लो, 0
सो मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन कितना दे रहा है, ये दे रखा है आपको 8। तो मास ऑफ फुल आयरन कितना आ जाएगा, मास ऑफ द पोल, पूरे पोल का कितना आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई कर लो, 8 से मल्टीप्लाई करना कुछ भी नहीं, तो मल्टीप्लाई कर लो आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल, थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना, बाकी कुछ भी नहीं है। ये ग्राम में आंसर आ रहा है आपसे, किसमें पूछा गया है उसमें देख लो आप वैल्यू जो है इसकी, ये मल्टीप्लाई करने पर 8 से मल्टीप्लाई करना है इसका, तो 8 है 8922622.4, ये आ जाएगा। इसको आप केजी में भी बदल सकते हो, ये ग्राम में है, इसको केजी में बदलोगे तो पॉइंट आगे भी चल जाएगा, नहीं केजी आ जाएगा 8922.2624 केजी हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा अगर आप उसको बदल दो, तो ये ऐसे कन्वर्ट किया जा सकता है। क्या सर हमने कुछ भी नहीं किया, दोनों का वोल्टेज निकाला और उसको 8 से मल्टीप्लाई करा और कुछ भी नहीं किया, सिंपल सा फंडा है। आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका सारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे इसकी, बाकी के क्वेश्चंस भी कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो करिए आप लोग प्रैक्टिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।